हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेशल कुकिंग। आज हमने बनाया है दो तरह के स्वीट कॉर्न चाट जो बड़े बड़े मॉल्स और सिनेमा घरों में मिलते हैं। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इसको हम बनाएंगे घर पे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। आज हम सिंपल देखने वाले मकई से चाट बनाएंगे। एक वो चाट जो बड़े बड़े मॉल्स के अंदर मिलती है और दूसरी वो चाट जो बड़े बड़े मॉल्स के बाहर ठेले पे मिलती है, चटपटे और चटाकेदार चाट। सबसे पहले हम बनाएंगे मॉल्स के बाहर मिलने वाली चाट, जो एकदम चटाकेदार बारिश के मौसम में मिलने वाली चाट। तो उसके लिए हमने लिया है भुट्टा और इसको हम कवर के साथ ही सेक रहे हैं। इस तरह सेकने से ये होगा कि हमारे अंदर का भुट्टा भी सिक जाएगा और उस पर कलर्स भी नहीं आएंगे। बारिश के मौसम में बड़े बड़े मॉल्स के बाहर इस तरह से चाट हमें मिलता है जो बहुत चटपटा और चटाकेदार होता है। इसको आज हम बनाएंगे घर पे ही। मकई बिल्कुल सिक चुका है, इसको हम छील लेंगे और इसके दाने निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसको बॉईल करके भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट आएगा। हमने भुट्टे के दाने को निकाल लिया है और हम इसको डालेंगे मिक्सिंग बाउल में और डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च, नमक और डालेंगे इसमें बटर। इसको करेंगे मिक्स और एक मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। इसको एक मिनट हम चला लेंगे। इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च। बारिश का मौसम है तो तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रेश धनिया पत्ती, भुना हुआ जीरा पाउडर, चटपटा के लिए काला नमक और एकदम चटाकेदार बनाने के लिए डालेंगे नींबू का रस। आप जितना खट्टा खाते हो उसके हिसाब से कम या ज़्यादा नींबू डाल सकते हैं, पर बारिश का मौसम है तो खट्टा बनता है। अब हम इसको करेंगे मिक्स। परफेक्ट बारिश का मौसम मानसून चाट, कॉर्न की चाट बनकर तैयार है। और डालेंगे बारीक सेब और इसको देंगे हम मार्केट लुक। इसके लिए हम इसको सर्व करेंगे मार्केट वाले प्लेट में। दूसरे तरह की मॉल के अंदर मिलने वाले चाट बनाने के लिए हमने लिया है एक बर्तन, उसमें डाला है पानी और डालेंगे नमक। अब हम डालेंगे अपने स्वीट कॉर्न को, हमने इसके दाने निकाल लिए हैं। इसको हम बॉईल करेंगे 5 मिनट के लिए। हमारे कॉर्न बॉईल हो चुके हैं, अब हम इनको पानी से छान लेंगे, लेकिन हम इनको ठंडा पानी में नहीं डालेंगे। हमारे कॉर्न बॉईल हो चुके हैं, अब हम इसमें मिलाएंगे काली मिर्च पाउडर और डालेंगे इसमें मिक्स हर्ब्स, चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चीज हो तो इसमें चीज ऐड करें, अगर ना हो तो इसमें डालिए मेयोनीज। अब अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। मॉल्स के अंदर, बड़े बड़े मॉल्स के अंदर मिलने वाला चाट बनकर तैयार है अभी घर पे। अब हम इसको इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। हमने मार्केट स्टाइल दो तरह के स्वीट कॉर्न चाट घर पे बनाकर तैयार किया है। अगर आपको मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।